Theorems on moment of energy. ठीक है, ये एक बॉडी है जो कि प्लेनर बॉडी है। कैसा है? प्लेनर। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y। हमको निकालना है i x x डैश, लिख लेते हैं। ये x डैश हो गया इधर, ये हो गया y डैश। क्लियर है क्या? तो इसमें कोई सा भी मास यहाँ पे अगर है तो इसको अगर हम एम आई बोल रहे हैं, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। तो एक्स दूरी, एक्स से कितना दूरी है? ये कितना ऊपर है? वाई ना। क्लियर है क्या? वही वाई से कितना दूरी है? कोई दिक्कत? अब हम क्या किए, हमें इधर से एक ले लिया, जो कि z z डैश है। अरे समझ में, यहां से इस पॉइंट का जो दूरी है इसको अगर r बोलें तो r जो है वो हो जाएगा रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यस और नो? तो सिग्मा एम आई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि यार ऐसा है इधर, क्लियर है क्या? क्लियर है? आई जेड इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स। लेकिन ये किसके लिए है? केवल केवल ये प्लेनर बॉडीज के लिए ही वैलिड है। समझ में आया? क्या अब आ जाइए फॉर एनी काइंड ऑफ 3D बॉडीज। ठीक है, लेट अस से कि यहां पे है सेंटर ऑफ मास इसका। क्लियर है क्या? क्या है? यहां पे है सेंटर ऑफ मास। अब हमको यहां के अबाउट हमको पता है, ये है आई सी ओ एम। इस एक्सिस के अबाउट हमको क्या है? पता है। लेकिन हमको अब
पता करना है इस एक्सिस के अबाउट। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, इसको पिवट किया है ना, इधर से एक्सिस पास कराया ड्रिल करा के और इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे एक एक रॉड लगा दिए, इसको कनेक्ट कर दिए वेटलेस स्ट्रिंग्स से और इसको ऐसे घुमा रहे हैं, समझ में, ठीक है ना। तो ये जो है इजी रहेगा यहाँ पे, यहाँ पे जो है अच्छा खासा टफ हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये अगर हम लोग बोलें है ना ए ए डैश है ये, ठीक है, तो आई ए ए डैश हो जाता है आई सी ओ एम प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, और डी क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि दिस एक्सिस ए ए डैश एक्सिस मस्ट बी पैरेलल टू सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस। आ रहा है समझ में, यस और नो? ये क्या होना चाहिए, केवल पैरेलल, क्लियर है क्या? तो अब हम लोग देखिए टॉर्क पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसका आपको मिल जाएगा फिर से, आप देख लेना इसका वीडियो है, लेकिन डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, केवल इतना भी याद कर लेंगे, दैट्स इट, डन, ठीक है। अब देखिए हम लोग टॉर्क पढ़ चुके हैं, ठीक है, हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ चुके हैं, अब आते हैं हम लोग सीधा ये वाले इक्वेशन पे, टॉर्क इज इक्वल टू आई इन टू अल्फा। आ रहा समझ में, यस और नो? तो लेट अस से कि आपको याद है कोई सा भी चीज़ का बताइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई सा भी एक चार पांच बॉडी का अभी याद है, राइट। एम क्या है, आर क्या है, सोच लीजिए, हॉलो स्फीयर, क्लियर है, क्लियर है क्या, ठीक है। इसको हम ऐसे लगाया, ये एक्सिस है, दिख रहा है क्या, जो सर नो, ये हॉलो स्फीयर क्या, ये हमने लगाया फोर्स ऐसा, ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स, दस न्यूटन का, ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, रेडियस है 2 मीटर, कितना हमको निकालना है अल्फा क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, अगर हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, पहले ऐसे ही था, धीरे धीरे घूमना शुरू करेगा, ये सर नो, और हम फोर्स लगाए जा रहे हैं, क्या होगा, धीरे धीरे इसका स्पीड भी बढ़ेगा, ये सर नो, अच्छा। अब अल्फा हमको निकालना है, इसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, मतलब कि रेस्ट पे था, तो सीधा टॉर्क क्या होता है, आई इंटू अल्फा, यस और नो, आ जाइए, टॉर्क क्या है, कोई दिक्कत, टॉर्क निकाल लेते हैं, आर क्रॉस एफ,
आर कितना है बोलिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? 2 मीटर इंटू 10 न्यूटन, कितना हो गया ये? दिस शुड बी इक्वल टू आई अल्फा। आई कितना है? एम इसका ले लेते हैं हम लोग 4 kg, ठीक है।